हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद तिकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। तो आज का जो एडिटोरियल है वो नागालैंड में जो सरकार बन रही है उसके ऊपर है। ठीक है, तो लिखा है फ्री ऑफ ओपोजिशन, मतलब ओपोजिशन फ्री, कोई ओपोजिशन ही नहीं है, कोई विरोध करने वाला ही नहीं है वहां पे, विरोधी दल नहीं है कोई। ऑन पॉलिटिक्स इन नागालैंड आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद नागालैंड के पॉलिटिक्स में, ऑल पार्टीज इन नागालैंड आर स्क्रैम्बलिंग फॉर द पावर पाई। जो सारी पार्टी है नागालैंड की वो क्या कर रही है, पावर पाई में हिस्सा पाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। स्क्रैम्बल का मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना या मूव करना, ठीक है, कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट तो आप जानती हैं जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ प्रेडिकेट एज अ वर्ब भी जो है इसका मतलब होता है अफर्म और डिक्लेयर एज एन एटीट्यूड क्वालिटी ऑफ, किसी चीज की क्वालिटी को डिक्लेयर करना या फिर किसी चीज पे बेस्ड होना। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रही है ना वो बेस्ड होने वाली मीनिंग है। आइए बताते हैं कैसे। नागालैंड में जो इतने वोट किया डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी के कोलिशन के पार्टी के लिए, ठीक है, जो असेंबली इलेक्शन हेल्ड हुआ था फरवरी 27 को, तो पावर शेयरिंग जो है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप में वो किस चीज पे बेस्ड होता है, प्रेडिकेटेड होता है, वो इस चीज पे बेस्ड होता है, इस फैक्ट पे कि स्टेट का जो फॉर्चून है वो जो सेंटर से रिलेशन है उससे डीपली टाइड है। ठीक है, तो जो सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बोलेगी वो वहां पे होगा थोड़ा ऐसा। ठीक है, अब समझ में आ गया बेस्ड, प्रेडिकेटेड का मतलब बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज से। से का मतलब कहना होता है, राइट, लेकिन यहाँ पे से एज अ नाउन यूज हुआ है। कौन सा से? सिग्निफिकेंट से, एडजेक्टिव है सिग्निफिकेंट, और इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। से का मतलब यहाँ होगा चांस टू स्पीक, बोलने का मौका देना, हिस्सेदारी का मौका देना, ऐसा कुछ। तो जो पार्टी है पावर में दिल्ली में जो कि बीजेपी है, उसका एक मेन रोल हो जाता है, उसे बोलने का मौका मिल जाता है, उसको हिस्सेदारी का मौका मिल जाता है जो स्टेट की पॉलिटिक्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज परपोर्टेड। परपोर्ट का मतलब होता है जैसा दिख रहा है उस हैविंग द हैव द ऑफन स्पेशियस अपीयरेंस ऑफ, जैसा दिखना। ठीक है, तो जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, परपोर्टेड रीजन है। ठीक है, अब देखिए किस चीज का रीजन है, कोई एक चीज है जो स्कैंडलस है, यूनिटी है। कैसी यूनिटी है, स्कैंडलस यूनिटी है, मतलब कि बहुत शॉकिंग या रॉन्ग यूनिटी है। अगर आप ये समझिए कि किसी भी स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चलती है वो रूलिंग पार्टी या ओपोजिशन पार्टी के बैलेंस पे चलती है। ठीक है, अगर सब लोग मिलके ओपोजिशन बन जाए ऐसा तो सरकार ही नहीं बनेगी, सब लोग मिलके रूलिंग पार्टी बन जाए और कोई ओपोजिशन ना हो, कोई क्रिटिसाइज करने वाला ना हो, तो सरकार नहीं चल सकती। तो नागालैंड में क्या हुआ है कि सारी पार्टियों ने क्या कहते हैं, जो मेन पार्टी है वहां पे उनको समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं और एक उनके अंदर यूनिटी बन गई है। इसीलिए इस यूनिटी को स्कैंडलस यूनिटी हिंदू वाले कह रहे हैं कि जहां विरोधी ना हो वहां पे सरकार कुछ भी कर सकती है, राइट, तो इसलिए कह रहे हैं ये। तो जो स्कैंडलस यूनिटी है वो जब शुरू हुई थी पहले के असेंबली में, उसका काम ये था कि वो ज्वाइंटली काम करे जो इंडो नाका पॉलिटिकल इश्यू है उसके लिए। ठीक है, लेकिन वो और यही स्कैंडल सिटी इसका परपोर्टेड रीजन है, मतलब जो दिखने वाला रीजन है वो ये है। मेन बात ये है कि ओपोजिशन नहीं है वहां पे। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी हो गई है। क्यों यूनिटी हुई है, क्योंकि नागा इंडो नागा पॉलिटिकल इश्यू को रिजॉल्व करना था, लेकिन ये चीज जो है वो प्रॉब्लम दे रही है। क्यों, क्योंकि ओपोजिशन खत्म हो गया है। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज सैडल। सैडल मतलब जब घोड़े पे आप बैठते हैं तो एक सीट रहती है, उसको सैडल बोलते हैं। यहाँ पे बात हो रही है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की, उसे भी सैडल कहा जा रहा है। निफू रियो हु रिमेंस इन द सैडल एज चीफ मिनिस्टर एंजॉयस द ट्रस्ट ऑफ बीजेपी। ठीक है, क्लियर। व्हिच हैज स्कोर्ड 5 बर्थ्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बीजेपी को 5 बर्थ मिली है। ठीक है, नहीं, चीफ मिनिस्टर को 5 बर्थ मिली है। मिस्टर रियो का डिफेक्शन कांग्रेस से, कांग्रेस से ने डिफेक्ट कर दिया था, मतलब कि सपोर्ट हटा दिया था मिस्टर रियो से। ठीक है, और इस सपोर्ट को हटाने से क्या हुआ, पार्टी जो है वो डाउनवर्ड स्पाइरल में चली गई। अब ये डाउनवर्ड स्पाइरल अगर आपको रेटिंग कॉर्पोरेशन मिलता है तो आप क्या मतलब निकालेंगे। अगर कोई चीज या लेवल डाउनवर्ड स्पाइरल होता है इसका मतलब कि वो बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, तो कांग्रेस की छवि तो पहले ही पूरे देश में खराब हो रखी है। वहां पे इन्होंने
इनको डिफेक्ट कर दिया रियो को, तो उनकी उनका और यू नो जो स्टेटस है, जो इन्फ्लुएंस है, वो गिरने लगा, तेजी से गिरने लगा, राइट। उसके बाद जो वर्ड है वो है पैट्रियार्चियर। पैट्रियार्चियर का मतलब होता है कि पुरुषों का जहां दबदबा होता है या माहौल होता है, उसे पैट्रियार्चियर कहते हैं, ठीक है। तो कहने स्टेट असेंबली में दो काम पहली बार हुए हैं, ठीक है, दो विमेन मेंबर्स जो है वो बनी है, और उनमें से एक जो है वो मिनिस्टर भी है, ठीक है, जो कि रिमार्केबल है, मतलब कि अचीवमेंट, अच्छी अचीवमेंट है, ठीक है। ये कंसीडर करते हुए कि नागालैंड का जो सिस्टम है वो पैट्रियार्चर है, मतलब कि वहां पुरुषों का ज्यादा दबदबा है, पुरुषों का ज्यादा प्रेजेंस है। अब तक कोई थी नहीं यहाँ पे नागालैंड के असेंबली में, ठीक है। उसके बाद स्टेट की बात हो रही है, नागालैंड स्टेट के बिना ऑपोजिशन के कैसे काम करेगा, क्योंकि ये जो स्टेट है वो सीरियस डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है। डेवलपमेंट चैलेंजेस मतलब कि रोड नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, एंड लाइकवाइज जो भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, और उनके जो गवर्नमेंट डेफिशिएंसी है वो सीवियर है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा है, राइट। और क्यों है, क्योंकि एट्रिब्यूट किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है वहां पे, और एक्सटॉर्शन बहुत ज्यादा है। एक्सटॉर्शन का एक्सट्रीमिज्म मतलब किसी भी चीज का अति होना, ठीक है, और एक्सटॉर्शन मतलब कि पैसा लेना किसी पावर दिखा के या कैसे भी, घूस या इस तरह की चीजें कह सकते हैं, हफ्ता लेना, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है स्टेलमेट की, कि सच्चाई ये है कि जो एजम्पशन है कि पॉलिटिकल पार्टी ने भी एक स्टेलमेट बना दिया है, ठीक है, स्टेलमेट में स्टेक बना दिया है, राइट। स्टेलमेट मतलब कि कोई एक ऐसा स्टेज डेवलपमेंट का जहां से आगे डेवलपमेंट पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो वो जो एक डेवलपमेंट है कि किसकी सरकार बनेगी, उसमें सबने अपना अपना हिस्सा बना लिया है, अपना अपना स्टेक बना लिया है, ठीक है, क्योंकि सबको हिस्सा चाहिए, कोई ओपोजिशन में बैठना नहीं चाहता। अ डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर सिक्स डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्टर्न नागालैंड एडेड अ न्यू फॉल्ट लाइन। जो डिमांड है स्टेटहुड की, वो छह जिलों में ईस्टर्न नागालैंड में, वो उसमें से एक नई फॉल्ट लाइन एड हो गई है, ठीक है। और फॉल्ट लाइन क्या है, इसके बारे में यहाँ शायद कुछ कहा नहीं जा रहा, या मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या फॉल्ट लाइन है। प्रॉब्ली यही कि ओपोजिशन नहीं है तो कैसे आगे भी वही चीज होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है एल्यूजिव। एल्यूजिव मतलब डिफिकल्ट होगा, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो क्या चीज एल्यूजिव है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी एल्यूजिव है, मतलब कि जो उनकी जिम्मेदारी है, राइट, वो एल्यूजिव है। तो कहा जा रहा है कि असेंबली विदाउट एन ओपोजिशन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी एल्यूजिव। एक ऐसी असेंबली जहाँ पे विरोधी नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो पकड़ में नहीं आएगी। कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा, तो वो सही ढंग से शायद काम ना करे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि कोई उसे उस पर बोलने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये था का सेशन, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। कोई शब्द समझ में ना आए, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो प्लीज कमेंट सेशन में मेंशन करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।